हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवरात्रों के दिन, और नवरात्रों के दिन मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा होता है आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर नाइट में ही मैंने बच्चों के टिफ़िन, वाटर बॉटल और किचन क्लीन कर दी थी ताकि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और इस वक्त हुए थे 5:45, और 6:45 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, और स्पेशली ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें नो अनियन एंड नो गार्लिक। ओके, तो फिर मैंने सोचा मैं पोहा बनाती हूँ, और बच्चों ने बोला भी था कि मम्मी मुझे पोहा खाना है, स्पेशली पीहू ने। तो फिर बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक ले लिया छोटा सा आलू, एक टमाटर और थोड़ा सा पनीर, क्योंकि कुछ चीज़ें तो इसमें ऐड करनी है। और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स जो है बच्चे नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया, जीरा डाला, सारी इसमें जो भी मैंने सब्जियाँ वब्जियाँ काटी सारी ऐड करी, हल्दी डाली, नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। और थोड़ा सा जो आलू है उसको भुनने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो जल्दी पक जाती हैं। पोहा ऐड करा और अच्छे से मिला लिया और थोड़ी देर पकने दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूध ऐड करती हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और जो पोहा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और बनने के बाद मैं इसमें फिर से एक चम्मच देसी घी ऐड करती हूँ, और देन थोड़ा सा नींबू। बस यहाँ पर पोहा रेडी हो गया है। तो दोनों के टिफ़िन में अलग अलग मैं पोहा यहाँ पर सर्व कर रही हूँ, और उसके साथ कुछ फ्रूट्स हैं, किसी को ग्रेप्स खाने हैं तो किसी को वाटरमेलन खाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स भी कर दूँगी इसके अंदर। और बस लंच बॉक्स तैयार है विद वाटर बॉटल। उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे और तो पूरा रेडी हो जाते हैं, बट थोड़ा सा टाइम उनके बालों को अच्छे से मैनेज करने में लगता है। तो यहाँ पर पीहू के थोड़े से शॉर्ट हेयर्स हो गए हैं, तो फिर वो अपने बालों को थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल करवा लेती है, और फिर एक छोटी सी पोनीटेल बनवा लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ मम्मी बना रही है चाय, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो मैं क्या करती हूँ ना, दोनों बच्चों को फटाफट से रेडी करके जब तक नीचे छोड़ कर आती हूँ, तब तक मैं और मम्मी फिर साथ में बैठकर चाय पी लेते हैं, और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। मैं थोड़ी सी किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, घर क्लीन करती हूँ, इतने में मम्मी नहा धोकर पूजा के बर्तन साफ़ करती हैं, और फिर हम दोनों साथ में बैठ कर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीहू का हेयर स्टाइल बन गया है, और डोडो का फटाफट से बन जाएगा क्योंकि डोडो में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से बाल भी बड़े हैं, तो चटाचट से वो बन जाता है। उसकी एक छोटी सी पोनीटेल वो बनवा लेती है, और वो ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखाती है, छोटी है बट सब बातें बहुत ही अच्छे से ये मान लेती है कि हाँ इस तरह से बनाना है, हाँ इस तरह से बनाना है। चलो हो गया। उसके बाद मैंने डोडो को पकड़ लिया है थोड़ा सा फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, स्किन बहुत ड्राई हो रही है जल्दी जल्दी, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो उसको मैं उसका आईडी लगा रही हूँ, और फटाफट से बैग देके ताकि बस निकल ना जाए। थोड़ा सा ये टेंशन जो है, प्रेशर रहता है हम लोगों पर मॉर्निंग के टाइम। तो हम आ गए हैं नीचे सोसाइटी के गेट पर, और यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं बस की जल्दी से इनको हम बस में चढ़ा देंगे, और उसके बाद मुझे जाना है आज झंडे वाले मंदिर मम्मी के साथ। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी का रूटीन जो हमारा है वो भाग रहा है। बस ऊपर आकर फटाफट से नहा धोकर मैं तैयार हो गई हूँ, और उसके बाद मुझे और मम्मी को करनी है पूजा। मम्मी की पूजा तो स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा मुझे ही इन सब कामों में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं बच्चों के लिए बना के जाऊंगी कढ़ी, और कढ़ी के साथ में भी मैं चावल बना दूंगी, ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाए, आने के बाद कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में मुझे 3 घंटे तो लगने हैं, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा दर्शन में भी लगेगा। तो मतलब 3 घंटे हम लोग लेके चलते हैं, इतना टाइम हम लोगों को लग जाएगा। कढ़ी के साथ साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी पूजा की भी तैयारी।
तो मैं क्या करती हूँ ना कि बीच में एक काम किया, फिर अपना काम कर लिया, फिर उसके बाद मैं फटाफट से पूजा करने आ गई, क्योंकि पूजा मेरी सबसे पहले कंप्लीट होनी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही जा कर के मेरे बाकी काम जो है वो शुरू होते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी की पूजा बहुत ज़्यादा लंबी होती है नवरात्रों में। मम्मी रामायण भी करती है 9 दिन, और दुर्गा सप्शती भी करती है, तो काफ़ी उनकी पूजा होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं दुर्गा सप्शती करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, तो मैं फटाफट से खड़ी होकर इतने वो काम करती हूँ, फिर उसके बाद जो हवन होता है वो मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी से फिर से पूछने आ गई कि आपकी पूजा पूरी हो गई है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे अभी भी 5 मिनट लगेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, घिया का जूस बनाना है मुझे, हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट देना है। तो यहाँ मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप बोलो, आपको जल्दी जल्दी से बाकी चीज़ें आपकी देकर मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बना दी फटाफट से साइड में कड़ी, और उसके साथ साथ मैं तैयारी भी कर रही थी, जूस भी बनाना था मेरे को, तो मैंने सोचा मैं साइड बाय साइड जूस भी बना देती हूँ। मैं जल्दी से बना रही हूँ कड़ी, और वरना मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बच्चों के आने से पहले घर पर भी वापस आना है। तो सिर्फ कड़ी बनाऊँगी, आटा लगा के रख दूँगी, चावल मैं दोपहर को नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मोस्टली मेरे यहाँ पर चावल जो बनते हैं वो नाइट में ही बनते हैं, तो जल्दी जल्दी से करते हैं। बस, और कोई साल में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें ऐसा कुछ लगता हो। जूस तो फाइनली पोहा साथ में दे दूं, पोहा बाद में खाना है, दे दूं साथ में, ठीक है? फिर मैं कड़ी बना के घूमने जाती हूँ, ठीक है? जीन्स टॉप पहनने के नुकसान है, ये देखो बिना प्रेस का, इसको प्रेस किया, पहले जो ये जोड़ तो उतले होते थे ना मेरे, है ना, ये बड़े आसानी से टूट जाते थे, और अब इसे फिर जान लगा देना है तब भी नहीं टूटते, नहीं टूटेंगे। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, ये होगा, है ना, बस ये हवन की मेरी तैयारी शुरू हो गई है जल्दी से। अब मैं ये लेके जाऊँगी ना मम्मी के लिए, मम्मी के लिए इतना छोटा सा टुकड़ा, मैंने कड़ी की गैस कम कर दिया इससे पहले कि वो निकले ना। बस उसके बाद मैंने कंडी जलाई और मैं हवन कुंड में उसको ले आई हूँ, ताकि इससे जल्दी जल्दी से हमारी पूजा हो जाए। हम इसी तरह से डेली 9 दिन पूजा करते हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मुझे और मम्मी को भी मंदिर जाना है, क्योंकि हस्बैंड का तो ऑफिस का काम है तो वो तो अभी नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और अभी मुझे वहाँ पर जाने में 1 घंटा लगेगा, वापस आने में 1 घंटा लगेगा। और हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया है कि शायद पूरा 1 घंटा कंप्लीट हमारे को मंदिर में भी लगेगा। तो बच्चों के टाइम तक हमारा मेन मोटिव था कि हम वापस आ जाएं, और हम 11 बजे निकल गए थे और 2:30 तक हम लोग आ गए थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पर मुझे मेरे पास आना था बुआ जी की बेटी को भी, और यहाँ पर सुनीता दीदी आ गई है, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको मंदिर में बहुत ही अच्छे से झंडे वाली माता के दर्शन हो जाएंगे। और पहले क्या था ना, हम हर नवरात्रि झंडे वाली माता के दर्शन करने जाते थे, बट ये 2 साल पैंडमिक की वजह से इतना हम लोग नहीं जा पाए। तो अब की बार हमने सोचा कि हमें दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर खुल भी चुका था और इतना सुंदर डेकोरेट हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग में डाल दूँ, आप एक बार देखो, इतना सुंदर मंदिर डेकोरेट है। और स्पेशली जो भवन है ना, वो चारों तरफ से एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम सारे में बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा, और जो गुफा वाली माता थी ना, उन्होंने उनके दर्शन बंद किए हुए थे, क्यों किए हुए थे पता नहीं। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था कि अगले आदेश तक ये, मतलब गुफा वाली माता का, वो बंद रहेगा दरबार। तो ऊपर ये वाली जो माता है ना, इन्हीं के ही दर्शन खुले हुए थे। और यहाँ पर 9 माताओं के दर्शन भी आप कर सकते हो, और अगर यहाँ पर आप झंडे वाले मंदिर जाते हो तो ये नवरात्रों में ही 9 माताओं के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम आ गए स्पेशल अपनी आलू की चाट खाने के लिए, क्योंकि अगर हम नवरात्रों में मंदिर आते हैं तो हम इसको बिल्कुल मिस नहीं करते, और थोड़ी बहुत बच्चों की शॉपिंग भी करते हैं ताकि बच्चे बिल्कुल ये कंप्लेन ना करें कि मम्मी आपने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। तो डोडो के लिए लिया मैंने किचन सेट, और की रिंग लिया पी हो डोडो दोनों के लिए, क्योंकि डोडो छोटी है और अभी किचन सेट से खेलती है, थोड़ी फिनिशिंग नहीं थी बट ठीक है, उसको बहलाने के लिए अच्छा था। इसी तरह की ही चीज़ें वहाँ पर मंदिर के बाहर मिलती हैं, तो बहुत लेकिन क्यूट सा था, छोटा सा था, कैटल सेट होता है ना चाय की, वो वाला सेट था ये। और घर आने के बाद जब मैंने डोडो को दिखाया तो डोडो इतनी खुश हो गई ना, मतलब स्कूल से आई हुई थी, देखो कितनी थकी हुई लग रही है, वो फिर भी उसमें पानी भर के ले आई और कहती है मम्मा लो मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आप बहुत थक गई हो ना। तो ये होते हैं बच्चे, और बहुत ही प्यारे और क्यूट। अच्छा चलो ठीक है, मैं पी लेती हूँ, ये डोडो की तरह टेस्टी है। बस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सो गए, बच्चों ने खाना खा लिया, और फिर मुझे आज इवनिंग में जाना था नीचे सोसाइटी के ही मंदिर में, जो डेली 9 दिन कीर्तन होता है वहाँ पर। तो इन सब आंटियों ने मुझे बोला था कि 4 से 6 कीर्तन होता है, आपको आना ज़रूर है। तो मैंने सोचा फटाफट से आज यहाँ भी दर्शन कराती हूँ। और बस मैं मंदिर के सामने ही नहीं, सोसाइटी के सामने ही जो भैया फ्रूट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हो रहा है बहुत ही अच्छा कीर्तन, और इतने अच्छे भजन गा रही थी ना आंटियाँ, उन्होंने अपनी डायरी बनाई हुई थी, देखो उसमें से देखकर वो लोग गा रही थी, और कुछ उन्हें याद भी थे, और बहुत ही अच्छी गा रही थी। और बस ये है मेरा एक नवरात्रि का ब्लॉग, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।